नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S20 के फैन एडिशन के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 रुपये से भी ऊपर इसकी प्राइस है, बट दोस्तों आप इसे 35,000 रुपये के आसपास कैसे कह सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन जो फ़ोन है दोस्तों, ये 50,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, बट इसकी प्राइस दोस्तों धीमे धीमे 45,000 रुपये हुई। उसके बाद दोस्तों मुझे 41,000 रुपये का फ्लिपकार्ट मिलने लगा, और दोस्तों अभी आप फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो इसकी प्राइस 45,000 रुपये रखी गई है, जिसके दोस्तों बेस वेरियंट है 8GB 128GB वाला। इसकी दोस्तों प्राइस है फ्लिपकार्ट पर वो है 45,000 रुपये। बट दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों आप इस फ़ोन को सिर्फ 35,000 रुपये के आसपास कह सकते हो, बल्कि आप 35,000 से भी कम में इस फ़ोन को कह सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ऐसा डिवाइस चाहिए होता है जो सैमसंग कंपनी का हो, क्योंकि दोस्तों सैमसंग कंपनी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, और एक फ्लैगशिप फ़ोन हो जिसमें दोस्तों सारे फीचर देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और साथ बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताता हूँ और उस आपको बताता हूँ कि आप इसे कम कीमत में कैसे कह सकते हो। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन जो फ़ोन है वो दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोन है। इसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। कैमरे की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमें फ्लैगशिप लेवल का कैमरा देखने को मिलता है, जो हमें S20 सीरीज में देखने को मिला था। सेम वही रियर कैमरा हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे के मामले में इसमें दोस्तों कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी दोस्तों इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, काफ़ी अच्छे अच्छे कैमरे इसमें दिए गए हैं। दोस्तों इस फ़ोन के सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है IP68 रेटिंग वाला, जिसमें दोस्तों आप इस फ़ोन को बारिश में यूज करो, स्विमिंग पूल में जाते हो वहाँ यूज करो, आप कहीं भी यूज करो, कितना भी पानी में ले जाओ, दोस्तों आप इस फ़ोन को पानी के अंदर भी यूज करोगे तो भी दोस्तों ये ख़राब नहीं होने वाला। आधे घंटे तक दोस्तों इसमें पानी से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन का, और दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं जो हमें S20 सीरीज में देखने को मिलते हैं, बट दोस्तों प्राइस की है 40,000 से 45,000 रुपये के बीच अगर आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फ़ोन को 35,000 रुपये के आसपास कैसे खरीद सकते हो। वैसे इसके जो फीचर हैं वो तो सबको पता ही है, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इसकी प्राइस। दोस्तों आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा अमेजन के ऊपर, जे अमेजन पर दोस्तों अभी डील चल रही है, ये फ़ोन आपको यहाँ पर 37,680 रुपये का पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपके पास इनमें दोस्तों कार्ड दिए गए हैं, ICICI वाला जो क्रेडिट कार्ड है, या फिर दोस्तों HSBC जो बैंक है इसका आपके पास कार्ड है, तो आपको इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 5% से जोड़ा जाए तो आपको समथिंग 1500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों ये फ़ोन आपको 36,000 रुपये या 36,500 रुपये का असर पड़ सकता है। दोस्तों ये तो हो गई 36 और 36,500 के बीच की डील, अगर आप इसे दोस्तों अमेजन से परचेस करते हो तो अभी। बट दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे 35,000 रुपये का कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना अपनी मार्केट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाते हैं। तो जब आप अपनी मार्केट में आओगे तो दोस्तों वहाँ जब आप इसकी प्राइस पूछोगे तो आपकी दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस है वो बताई जाएगी 40,000 रुपये के आसपास। बट दोस्तों आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, जैसे दोस्तों आपने किसी दुकानदार से पूछा इसकी प्राइस कितनी है, तो दोस्तों आप उसे बोल सकते हो कि मुझे इतने में वहाँ से मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब आप इस फ़ोन के जो रेट है दोस्तों अलग अलग दुकान पर ट्राई करोगे तो जो लास्ट में दोस्तों आपको कम से कम कीमत मिल जाएगा। तो दोस्तों जब मैंने इस फ़ोन की प्राइस पता की अपनी मार्केट में आके जहाँ मैं रहता हूँ, तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे सिर्फ 35,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। इसका जो बेस वेरियंट है मुझे सिर्फ 35,000 रुपये के आसपास मिल रहा था। दोस्तों मैंने कई दुकानों पर ट्राई किया था, पहली दुकान पर तो मुझे ये 38,000 रुपये बताया गया था, बट दोस्तों मैं ऐसे ही अलग अलग तरीके से दुकान पर गया और वहाँ मैंने जाकर बताया कि मुझे इतने में तो इससे कम तो वहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों जो खरीदने का तरीका होता है आपको यूज करना है, अपना दिमाग लगाना है। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मैंने इसकी प्राइस 35,000 रुपये के आसपास कर ली थी। दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी ऑफलाइन मार्केट में आके इस फ़ोन को 34,000 या 35,000 के बीच में कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों इतने में ये फ़ोन आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप इसे ऑफलाइन से खरीदते हो तो। और अगर आपको ऑफलाइन मार्केट नहीं जाना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप अमेजन से इसे परचेज कर सकते हो, जहाँ दोस्तों ये फ़ोन आपको 36,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर आपके पास जो कार्ड मैंने बताया वो दोनों कार्ड हैं तो अभी ये आपको इतनी प्राइस मिल जाएगा जो मैंने बताई है।
और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो अभी फ़िलहाल, तो मैं अभी का ऑफ़र बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देखते हो दोस्तों, तब की मैं गारंटी नहीं लेता कि तब इसकी प्राइस क्या होगी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो दोस्तों सेम वही रहने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कोई फ़ोन ऐसा खरीदना चाहते हो जो आपको और भी कम कीमत में मिल जाए, इसके अलावा तो दोस्तों आपको पता है कि होली का टाइम आने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों अमेजन के ऊपर एक सेल आने वाली है, होली वाली सेल। कुछ टाइम वेट कीजिए, उसमें दोस्तों आपको और भी फ़ोन अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे कम प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।